मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि बीच बीच में हम लोग काफ़ी सक्सेस स्टोरीज लेके आते हैं, और इन सक्सेस स्टोरीज में ऐसे काफ़ी लोग अच्छी बात हैं कि अभी वो लोग सामने आने लगे हैं जिनकी कोई प्रॉब्लम जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो, जिससे जैसे वो भी कोई बीमारी के लिए कहीं से उनको किसी ने रिकमेंड किया या कोई दूसरा सक्सेस स्टोरी देख के आए। तो जब ये भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, तो उसी तरह से अगर कोई दूसरे पेशेंट भी है जिनको अगर ये बीमारी है, तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरे ही जैसा आदमी है, उसने भी अगर होम्योपैथिक मेडिसिन ली और वो ठीक हुआ है, तो क्यों नहीं मैं भी एक बार मेडिसिन देखूं, लेके देखूं, और क्या पता मैं भी ठीक हो जाऊं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, या थायरॉयड बीमारी के बारे में, जिसको रूटीन में ऐसे ही कहते हैं मेरे को थायरॉयड की बीमारी हो गई। साइंटिफिकली बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म इसको कहा जाता है जिसमें हम कहते हैं कि जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपका जो T3, T4 और TSH जो तीन मार्कर्स होते हैं, इसमें जो TSH का लेवल होता है वो आपका बढ़ावा आता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाई TSH के काफी लोगों को सिम्टम्स नहीं पता होते, तो इन सिम्टम्स को भी मैं एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ जो बेसिक सिम्टम्स है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ ये भी बात आप समझ लें कि जो सिम्टम्स है वो जरूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स किसी एक के अंदर देखने को मिले, सिम्टम्स वेरी करते हैं। हो सकता है आपके अंदर, मैं भी 8-10 सिम्टम्स बताऊँ, उसमें से 2-3 सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं या 4-5 सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। सिम्टम्स को समझें तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होंगे, इनके अंदर जो है वेट गेन होने लगेगा। मतलब वो फील करेंगे भाई धीरे धीरे अब जो है मेरी डाइट वही है, मेरा लाइफ स्टाइल वही है, और कोई मेरे ज्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन मेरे शरीर के अंदर मेरा वजन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसके साथ उनका जो फेस है उसके अंदर थोड़ा पफिनेस ही फील करेंगे। आपको लगेगा कि मेरा चेहरा जो है वो आजकल थोड़ा सा फूल सा रहा है। आप पूरी बॉडी के अंदर भी थोड़ा स्वेलिंग या फुलावट सा महसूस कर सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिल सकती है। मतलब कि आपकी जो आवाज है उसके अंदर देखेंगे कि आपकी आवाज चेंज हो रही है, आवाज में थोड़ा भारीपन आपको देखने को मिल रहा है। इसके कारण आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी थोड़ा सा आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलरली बात करें तो आपको कब्ज देखने को मिल सकती है कि आजकल आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, पेट जो है वो आपका प्रॉपर साफ नहीं हो रहा है। इसी तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के अंदर जो है वो आपको हमेशा लो एनर्जी अपने आप को फील करेंगे कि शरीर में जो है मुझे एनर्जी नहीं फील हो रहा है, थकावट सी रह रही है, सुस्ती सी रह रही है, लेथर्जिक और जो फटिगनेस हम कहते हैं उसके सिम्टम्स हमेशा आपको बने रहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आपको थोड़ा ठंड ज्यादा महसूस होना। मान लीजिए एक जगह है, बाकी लोग बैठे हैं, फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे, तो सेम टेम्परेचर में जब आप उनसे कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा ठंड ज्यादा महसूस होगी। इसके कुछ आपको मेंटल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा ब्रेन फेग सा महसूस मिल सकता है, मतलब थोड़ा आप कंफ्यूजन सा महसूस कर सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है, और आपको इसमें कई बार जो है डिप्रेशन भी जो है अगर लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो इस तरह से डिप्रेशन जैसा भी आप महसूस कर सकते हैं। आपको स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्किन के ऊपर जो है ड्राइनेस सी रहने लगी है, सूखापन सा आने लगा है, आपके नेल्स में चेंजेस आने लगे। आप गर्दन के चारों तरफ भी जो है थोड़ा सा देख सकते हैं कि थोड़ा स्किन का कलर चेंज हो रहा है और उसमें कालापन देखने को मिल रहा है। ये कॉमन सिम्टम्स हो गए जो मेल फीमेल्स में देखने को मिलेंगे। फीमेल्स में पर्टिकुलरली कुछ और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। फीमेल्स के अंदर हो सकता है कि उनके जो पीरियड्स है उसमें आपको इरेगुलरिटी देखने को मिले, उनके पीरियड्स से वो डिले होने लगे। मतलब जो मंथली साइकिल थी वो मंथली नहीं आके धीरे धीरे की मुझे पीरियड्स जो है वो डिले होने लग गए हैं। इसी तरह से उनके अंदर हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। फीमेल्स में ज्यादा सिम्टम देखने को मिलता है, और अगर मैरिड लाइफ में है, डिलेड पीरियड्स हैं, तो उसके कारण आपको कई बार इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो कुछ कॉमन सिम्टम्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। कुछ सिम्टम्स हैं जो पर्टिकुलरली फीमेल्स के अंदर हैं, तो ये सिम्टम्स हैं, और भी कुछ पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जो है इंडिविजुअल केस के अंदर सिम्टम देखने को मिल सकता है। जब ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो आपको एक ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं, एक टेस्ट करवा लीजिए। और इसके अंदर फिर आपका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है जिसमें T3, T4 और TSH ये तीन जो होते हैं, ये तीन मार्कर्स होते हैं। इसमें जो हाइपोथायरॉयडिज्म ये मोस्ट कॉमन होता है, और इसके अंदर आपका TSH लेवल बढ़ावा देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आज की सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ हैं पीपाड़ से रामनिवास जी, जो बैंक में जॉब करते हैं। और रामनिवास जी जब हमारे पास आए थे सितंबर 2023 के अंदर, तो आप जब आए थे तो पहले कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह लिए थे, बट ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। प्लस थायराइड के अंदर आप जानते हैं कि एक बार मेडिसिन शुरू हो जाए तो लाइफ टाइम लेनी पड़ती है,
और रूटीन के अंदर लेनी भी पड़ती है, बट होम्योपैथी में अच्छी बात है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका थायराइड जो है TSH है बिल्कुल नॉर्मल हुआ है, और होम्योपैथिक मेडिसिंस भी हमने बंद की और उनको वापस मेडिसिंस की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे काफी लोगों में हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इस तरह की और भी हमने सक्सेस स्टोरी शेयर की। रामनिवास जी के केस की हम बात करें तो आप जब शुरू में आए थे, हमने पहली बार टेस्ट कराया तो इनका TSH था वो 18.81 आया, जो काफी हाई होता है, जिसकी नॉर्मल रेंज 5.5 तक होती है। और नेक्स्ट हमने इनका जो है ये सितंबर में 2023 में टेस्ट कराया, नेक्स्ट हमने अक्टूबर 2023 में कराया तो काफी इंप्रूवमेंट आया, जो 18 था वो 10.85 हो। और अभी हमने वापिस जो है एक टेस्ट करवाया, उसके अंदर जो है इनका जो है 1.59 आ गया, जो बिल्कुल मतलब नॉर्मल रेंज है उसके अंदर आ गया। तो मतलब डे बाय डे इनकी रिपोर्ट्स के अंदर सुधार आता गया और लास्ट की रिपोर्ट्स के अंदर जस्ट 1.59, जो बिल्कुल नॉर्मल है उस रेंज के अंदर आ गया। अभी ट्रीटमेंट अभी हालांकि हमने थोड़ा कंटिन्यू रखा हुआ है, फिर हम इनका बंद करेंगे। तो अब हम रामनिवास जी से सुनते हैं कि उनका होम्योपैथी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। सर मेरा 2012 में थायराइड डिटेक्ट हुआ था, जब मैंने एलोपैथी की दवाई से ट्रीटमेंट चालू किया था, फिर ये कंटिन्यू लेता रहा, फिर मेरे शरीर में मेरे को कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, तो फिर मैं लेता रहा, कभी बंद करता रहा, कभी लेता रहा, इस तरह चलता रहा। फिर यूट्यूब पे मैं थायराइड का होम्योपैथी का ट्रीटमेंट देखा, सर का वीडियो देख के मैंने वो सर ने जो भी ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था, वो सजेस्ट किया हुआ ट्रीटमेंट मैं लेता रहा। कम से कम मैंने 3-4 महीने वो लिया, उससे मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा। फिर सर ने बोला कि एक बार वापस मिल के बैठ के सजेशन से नहीं, फिर आप बैठ के ट्रीटमेंट लो, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, डॉक्टर की सलाह के अनुसार लो तो सब कुछ सही रहता है। तो मैंने सर से मिला आके, जोधपुर होम्योपैथी क्लिनिक पे आके मिला सर से, फिर अक्टूबर से वो अपना ट्रीटमेंट चालू करवाया और आज मेरा थायराइड एकदम बराबर चल रहा है। अभी कोई दूसरी आप मेडिसिन तो नहीं ले सर, रहे, सिर्फ तो अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से ले रहे, स्टार्ट किया तब से सिर्फ ये, वही सर तब से ले। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से लेके और जो इतने लंबे साल टाइम से 2012 से जो इनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल होम्योपैथी के साथ में कंट्रोल्ड है, और हम जल्दी इनकी मेडिसिन सभी बंद भी कर देंगे सर। तो इसी तरह से अगर आपको भी कोई है हाइपोथायरॉयडिज्म की, हाई TSH की प्रॉब्लम है, तो हम लोग यही मैसेज देना चाहेंगे, घबराए नहीं, अपने नज़दीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे मिलें और उनके गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, हो सकता है आपको भी बहुत अच्छा फायदा हो। थैंक यू।